हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गणेश पूजा, आप सबको हैप्पी गणेश पूजा। मतलब लास्ट में हर एक वीडियो में, हर कुछ भी त्यौहार होता है, कुछ भी खास दिन होता है, मैं ये चीज़ ज़रूर याद करती हूँ कि यार लास्ट गणेश पूजा के टाइम ये सोचा नहीं था यार इतना कुछ बदल जाएगा। देखो दोनों बच्चे बैठने लगे हैं, इवन मोक्ष को देखो कैसे बैठा हुआ है। वो अभी अभी हम लोग पिलो रखते हैं, इवन माही का होती है ना तो वो तब भी बिठाता है, ऐसा नहीं कि सोफे में बिठा दिया। मैं खड़ी हुई होती हूँ, माही का होती है, पिल्लो होता है ना तब बिठाते हैं, बहुत अच्छे से वो बैठता है। मोक्ष का क्या है यार, पैंट शर्ट पहना दो उसको कंफर्टेबली रेडी हो जाता है। माही को रेडी करने में मुझे खुद बहुत मज़ा आता है एंड उसको खुद रेडी होने में भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं उसको थोड़ा सा आजकल ना लाइनर लगाती हूँ, कभी कुछ उसका फंक्शन होता है कुछ तो इन सब में, अदरवाइज़ वो कभी ये सब नहीं लगाती, नॉर्मली शॉर्ट्स में ही घूमती रहती है। बस त्यौहार कुछ होता है वो देखती है ना कि मैं रेडी होती हूँ तो तब उसका मन करता है। नॉर्मल डे पे तो मैं भी ऐसे ही नॉर्मल से ड्रेस में रह जाती हूँ ना तो उसका उतना नहीं होता। तो मुझे वैसे इतना ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह बनाना नहीं आता है, तो जितना सिंपल सा आता है एक मैंने उतना बस करा माहिका के लिए। उसके लिए ना मैंने एक और ड्रेस सिलेक्ट करा हुआ था। मे बी आप लोग वैसे बोलोगे कि ये साउथ इंडियन ड्रेस होता है, जैसे इसको पावाड़े सेट बोलते हैं, पट्टू पावाड़े बोलते हैं। तो ये उसके स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है या फिर कुछ भी होता है, वो देखती है कि उसके सारे फ्रेंड्स ना एंड यहाँ पे भी जो हमारे कॉलोनी के हैं बच्चे, तो लड़कियाँ इसी तरीके के पहनते हैं, तो उसको लगता है कि मुझे भी सेम इस तरीके का पहनना होता है। एंड मैं कभी उसको फोर्स नहीं करती कि नहीं ये बार बार पहन लिया, चलो कुछ और पहनो अभी। ये एक रेडी हो गई माही का एंड इसको मुझे नॉर्मली हेयर स्टाइल वगैरह बनाना नहीं आता, ना मुझे अपने में आता ना बच्चों का आता, बट चलिए थोड़े बिट्स लगा के चलो कोई नहीं बना लिया, जैसे तैसे अच्छी लग रही है। एंड ये अभी बड़ी हो रही है ना, उसके पीछे मामा डिफरेंट डिफरेंट करो सब, यूट्यूब से सीखना पड़ेगा। ये देखो चिकमा चिकमा, चल दिखा ड्रेस दिखा। उसने खुद सिलेक्ट करके आई है, कल मैं कुछ और निकाल रही थी कि मम्मा मैं ये पहनूंगी, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, मतलब लास्ट टाइम जब खरीदा था ना आई थिंक उस वक्त 6-7 महीने पहले खरीदा हुआ था ये। अरे देखो इसका क्या पहनाएगी हम लोग, अब तक इसने जिसको भी मैंने पहनाया जितना पहनाया सब में कुछ ना कुछ गिरा दिया इसने। फाइनली मैंने ये फुल पैंट एंड इसको ये एक शर्ट पहना दिया है। देखो पूजा तक अगर ये रहता है तो ठीक है, अदरवाइज एक और पहनाएगा, सारे नए ही हैं ये, मोक्स ने भी आज नया पहना हुआ है, पर वो ना कुछ ना कुछ गिरा देता है, या तो फिर दूध निकाल देता है कभी, या तो फिर कभी कुछ लगा दे रहा है, कभी पूरा गीला कर रहा है। माइका सी हाउ यू आर लुकिंग माइका, उसने अभी तक नहीं देखा था खुद को मिरर में, कैसे लग रही है बोलो। अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है चलो निकाल लो। तो झूठ क्यों बोल रही है, चलो टाइम हो रहा है पूजा करते हैं। साथ ही साथ मैंने वहां पे सब बनाने के लिए रेडी करके ऑलमोस्ट रेडी रेडी करके रखा हुआ है। देखो गणपति मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आता है, गणेश पूजा आई थिंक माही का 2 साल दिया फिर ऐसा कुछ की थी, मैं तब से गणेश पूजा घर पे मूर्ति लगा कर रही थी। पहले तो बस छोटा सा घर पे ऐसे दिया लगा देती थी माहिका, जब से बड़ी बहन, इवन माहिका को भी गणेश पूजा बहुत बहुत पसंद आता है बहुत ज़्यादा। चलो एक सेकेंड, तो फ्रूट्स वगैरह तो भोग में चढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ना जो काले चने होते हैं वो थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ नॉन फैमिली हो गए हैं, जैसे सब लोग उनकी भी पूजा होती है ना तो वो लोग भी कुछ ना कुछ देते हैं, तो हमारे मैंने भी प्रसाद नॉर्मली मैं वहाँ पर लगाती थी जो पूरा पहले वाले घर पर होते थे हम लोग, तो वहाँ पर भी 2-3 घर होते थे उनको मैं देती थी। एंड उसके बाद ना ये जो बीच वाला घर हम लोगों ने गए थे यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में भिगोया हुआ था कि चलो बॉयल भी कर लिया था सुबह उठ। एक सवाल पहले होता था कि मोना आपका जो नॉर्मल जो मेरा स्पाइस बॉक्स होता है ना, तो वो वाला तो आप लोग, वो वाला तो आप डेली यूज़ में कभी कभी वेज नॉनवेज सब कुछ कर लेती हो, लेकिन पूजा वाले दिन कैसे करती हो, फिर नहीं करना चाहिए? देखो वो वाला डेली यूज़ के लिए होता है, जब कोई ऐसे त्यौहार होता है लक्ष्मी पूजा जब आने वाला है हम लोगों का, ऐसा कुछ भी मेरा फास्टिंग वाला भी कुछ आता है ना, तो मैं जो डब्बा मेन डब्बा होता है ना उसी में से निकाल के मैं यूज़ करती हूँ, वो रेगुलर वाला नहीं यूज़ करती। ऑयल अलग से यूज़ करना, सब कुछ अलग अलग हो जाता है फिर उसके बाद। एंड नमक का आज ही मैंने पैकेट ओपन करा, इसी के लिए उसी से मैं यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज नमक भी अलग से मैं निकाल लेती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल हम लोग फ्राई नहीं करते चने दाल को, वो मैं बना रही हूँ। एक्चुअली साउथ में ना ऐसे हमारे साइड में भी बहुत जगह पे आपने देखा होगा पुलियारम देते हैं वो प्रसाद में, ये वाला फ्राई करके, इसको तमिल में ना सुंडल भी बोलते हैं, तो ये वाला भी फ्राई करते हैं, तो मैंने इसको काले चने को फ्राई करा है
अलग से पुलिहारम भी मैंने बनाया हुआ है, बट उसको रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। एंड यहाँ पे मोक्ष को देखो, उसको ना ये पूजा का सारा सामान यहाँ पे लगा रहे थे क्योंकि टाइम बहुत जा रहा था, जल्दी जल्दी बच्चों को नहलाना, रेडी करना, खिलाना मोक्ष को, मैं मोक्ष का अलग से खाना बनाना, उसको खिलाना, फिर मैं प्रसाद बनाना, फिर यहाँ पे ये भगवान को सजा रहे थे। इन सब में पहली बार हुआ है 8 साल की मेरी शादी में कोई भी पूजा ऐसा आया कि ये उन्होंने पूरे भगवान को बिठाया होगा। अदरवाइज़ ये पूजा तो करते हैं, ऐसा नहीं कि कॉन्शियस डिसीजन नहीं था ऐसे, मतलब नहीं करना है, बट मैं कर लेती थी। लेकिन इस बार दोनों बच्चों के साथ हाथ ही नहीं निकल रहे थे कुछ और करने के लिए, तो वो वहाँ पर भगवान को इस बार पूरे, मैं बस बता रही थी कि ऐसे बिठाना, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, एंड वो वहाँ पर बिठा रहे थे। एंड वो उसका देखो कितना कूटी वो रो रहा है, उसको नीचे हाथ लगाना था, मुंह में डालना था, उसको कोई नहीं दे रहा था, वो जो भी पकड़ रहा था माँ ही ले रही थी। उसको ना अगर उसके टॉय दो अभी उसको नहीं चाहिए, उसको फोन चाहिए था एंड उसको वो दिया वगैरह चाहिए था क्योंकि वो देख रहा था वो सब कुछ, अगर उसको दे दो तो वो मुंह में डाल देता था। तो रो नहीं रहा था, बस क्यूट क्यूट सा फेस बना के एक्टिंग कर रहा था बस। तो बस उसको मैंने पकड़ा हुआ है यहाँ पे एंड ये आरती कर रहे हैं। एंड पंडित जी, नॉर्मली मेरी मम्मी के यहाँ पे ना पंडित जी आते हैं, कि बहुत सारे लेडीज़ भी आती है हमारे साइड में, वैसा होता है पंडित जी भी आते हैं, बट यहाँ पे ये कर लेते हैं, यही हमारे पंडित जी हैं, तो जो भी पूजा होता है ये कर लेते हैं। एंड यहाँ पे ये देखो माहिका को, पता नहीं ये तो अपनी ही अलग से आज दुनिया में है कौन सी दुनिया में नहीं पता, बोलती कि मम्मा मैं कितनी प्रिटी लग रही हूँ ना, मैं बोली हाँ बेबी तुम हमेशा प्रिटी लगती हो। तो बस ये है भगवान जी हमारे, कुछ इस तरीके से हमने बिठाया हुआ था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतना कुछ करूँगी आज, प्रसाद बनाऊँगी, भगवान को अच्छे से बिठाऊँगी, बच्चों को तैयार करूँगी, सबसे इम्पोर्टेंट खुद तैयार होंगी, क्योंकि बच्चों को तैयार करके पूजा वाद पूजा वूजा प्रसाद की चल बाद ना मेरे अपने लिए टाइम नहीं हो पाता। बट आज हंसी खुशी, मतलब हंसते हंसते भगवान भी बिठ गए, अच्छे से बिठा दिया भगवान को, प्रसाद बना लिया, पूजा हो गया, माहिका खुश हो गई, फ़ोटो उठा लिया, चलो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज़ फ़ोटो एक भी नहीं उठ पाते थे हम लोगों के। एंड हम चारों के हैं, मैं चाहूँ तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी या तो फिर कम्युनिटी में पोस्ट करूँगी, आप लोग देखना, देखो कब तक कर पाती हूँ। एंड ये इसको मैं छोड़ ही नहीं रही थी नीचे, एंड ये मेरे को चबाए जा रहा था कि नीचे छोड़ दो। फाइनली पूजा हमारी ख़त्म हुई, आरती, उसको ना आरती को भी पकड़ना था कि मेरे हाथ में दे दो। अभी ये एज के बच्चे ना, जो 7 मंथ अभी मोक्स का हो रहा है ना, तो 7 मंथ के बच्चे क्या कहते हैं, उसको सारी चीज़ चाहिए होता है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुँह में डालना है, हाथ में पकड़ना है। तो बस इस साल के भगवान जी हमने इको फ्रेंडली लाया हुआ था ताकि हम लोग घर पे ही विसर्जन कर पाए। मैंने सोचा हुआ इस बार 3 दिन बिठाऊंगी, 5 दिन का सोचा था लेकिन 3 दिन बिठाऊंगी इस बार, एंड 3 दिन के बाद विसर्जन करेंगे। बड़ा दुख लगेगा यार, कितना सुंदर लग रहा है देखो पूजा रूम में, राज भगवान बैठे हैं, इतना प्यारा सा लग रहा है गणपति यहाँ पे। एंड पूजा के बाद मैंने भी थोड़ा सा आरती करा क्योंकि मैं पकड़ी हुई थी ना पहले। एंड उसके बाद यहाँ पे नारियल जो हमने करा था ना, कोकोनट वाटर मैं दे रही हूँ उसको, मायका पहले नहीं पीती थी, अभी वो थोड़ा थोड़ा पी रही है। एंड मोक्ष को हल्का सा मैंने दिया टेस्ट करने के लिए, उसको बहुत पसंद आ रहा था। बच्चे को आप दे सकते हो, जैसे 7 मंथ के बच्चे आ जाते हैं ना, आप लोग थोड़ा सा अभी एक ग्लास तो पूरा नहीं पियेंगे, ऐसे ही थोड़ा सा मुँह में टेस्ट के लिए उनको दे सकते हो, ट्राई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, बच्चों को बहुत पसंद आएगा इस टाइम पर। अभी ना टाइम हो रहा है 3:30 के करीब, मोक्स अभी सो गया, उसको बहुत नींद आ रहा था, मतलब एक सेकंड में कैमरा क्लीन कर, 12 बजे से ना वो उठ गया था, बट वो सो ही नहीं रहा था दोबारा से। मायका भी अपना ड्रेस चेंज करके आ गई, मुझे मुझे उसको लेकर जाना है, ये बाहर गए थोड़ा सा कुछ काम के लिए, मुझे इसको लेकर जाना है एक चप्पल दिलाने के लिए क्योंकि मायका का पर्स बर्थडे है। क्यों होनी चाहिए, क्या हुआ उसको ना, बेडरूम में मायका के सारे कपड़े हैं, ठीक है मैं उसको बोलूँ नहीं मोक्स सो रहा है तो वो वहाँ पे आवाज़ मत करो, उठ जाएगा, वो मुझे ऊपर बुला रही है। ये जो कड़े हैं बहुत ही प्रिटी प्रिटी से है, येलो कलर में गोल्डन कलर का काम हुआ है, राधा कृष्ण जी का है ना, यहाँ पे फोटो बने हुए हैं। मम्मी आई थी ना इस टाइम, तो मम्मी बहुत सारे सामान लेकर आई थी, लेकिन आने के वो जब स्टार्टिंग में आई थी उस वक्त, आने के बाद भी मोक्ष का तबीयत ख़राब था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कुछ भी नहीं दिखा पाई थी आपको। बच्चों के लिए बहुत सारे ड्रेसेस, मेरे लिए बहुत सारी चूड़ियाँ लेकर आई थी, अब जैसे जैसे पहनूंगी ना मैं आपको दिखाती जाऊँगी। एंड यहाँ पे ये वाला ड्रेस मैंने आज पहना हुआ था, ये भी ये नया नहीं है पुराना है, बट एक बार मैंने उसको दिखाया, नया ही ले लो, प्रेगनेंसी के टाइम पे था, पहन नहीं पा रही थी, अभी थोड़े बहुत फिटिंग आ रहे दोबारा से तो पहन रही हूँ, कैसा लगा बताना। अमेज़ॉन से ही था ये,
एंड मुझे पता नहीं था कि पता मतलब ये दुपट्टा ना इस ड्रेस का नहीं है, इसमें सिर्फ प्लाजो एंड कुर्ती है। मैंने ये दूसरे एक ड्रेस का दुपट्टा इसमें लिया है, मैच हो रहा था, आरती करना है ना तो दुपट्टा लेना है करके मैंने इसको मैच करके ले लिया। अच्छे से जा रहा है पैंट के साथ प्लाजो के साथ ना, बहुत ब्रिटी लग रहा था ये। अभी टाइम हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं, माही को मैंने पराठा दे दिया है। मैंने सुबह से यही ड्रेस यही इसी के साथ पे हूँ, मैंने फेस भी वॉश तक नहीं करा है, सोचो आप लोग। एंड एक और चीज़ के शाम को हम लोग ना गए थे सबको थोड़ा बहुत प्रसाद देने के लिए, मैंने जो वो बनाया था ना उसको तमिल में सुंडल बोलते हैं, तो वो यहाँ पे प्रसाद हमारे साइड में बनाते हैं, यहाँ पे स्पेशली वो बनाते हैं वो सारा, तो मैंने वो बनाया था। कभी कभी जिस जगह बोलते हैं ना जिस जगह पे रहते हो उस जगह का थोड़ा सा करना चाहिए। एंड मैंने बनाया था लेमन राइस भी मैंने बनाया था प्रसाद के लिए। एंड यहाँ पे वो लोग मेन लेमन राइस देते हैं, वो जो उसको सुंडल बोलते हैं जो काला चना है ना उसको फ्राई करके बनाना उसको, तो वो सब कुछ भोग लगाया हुआ था। तो उन सबको ये हमारे गली में ना इससे पहले वाला एक लेन है, लेकिन वहां पे मैं एक ही फ्रेंड को जानती हूँ, मतलब वो महेंद्र के ऑफिस वाले फ्रेंड है, तो उनको देकर आए थे। एंड हमारा जो लेन है उसका तो यहाँ पे 10 घर है, 10 घर में से मुझे 4 घर के बारे में नहीं पता है, बाकी 5 घर एंड हमको मिला के 6, बाकी 5 घर के साथ मेरी बातचीत सब हो गई है। एंड बाकी लास्ट लास्ट 2 घर है जिनके साथ मेरी पता नहीं है, कभी बातचीत ही नहीं हुई है, तो उनको 5 घर पे मैंने देखे। माई का बर्थडे के लिए इन्वाइट करा हुआ है, तो माइका का बर्थडे हम लोग सैटरडे केक कट करेंगे, मतलब पार्टी जो भी करना है सैटरडे करेंगे, फ्राइडे भी मनाएंगे, छोटा सा केक कट करेंगे क्योंकि उसका बर्थडे है उस दिन। बहुत सारे लोगों का फ्राइडे ना जॉब रह जाता है, इवन महेंद्र का भी ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलेगा। एंड हम अभी छुट्टी ले नहीं सकते क्योंकि हमको छुट्टी आगे को चाहिए, जरूरत है, बहुत सारी छुट्टी चाहिए। एंड क्यों चाहिए वो आपको आगे पता चलेगा, मैं नहीं बता रही। एंड कुछ लोगों ने सही गेस भी कर लिया था, मैं कभी कभी ऐसे बीच में बोलती रहती ना तो कुछ लोग सही से गेस कर लेते हैं, तो इसके लिए छुट्टी नहीं ले रहे हैं। वो घर पे ही काम करेंगे सैटरडे, तो हमने डेकोरेशन के लिए भी बात करना है, नंबर वंबर सब कुछ मैंने नोट करा है, कल सुबह बात करूंगी, रिटर्न गिफ्ट के लिए मैं जाऊंगी सुबह, तो वो सब कुछ आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चलेगा। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन के सब्जी, उस पर ना पहले मैंने तेल लिया था थोड़ा सा, बहुत लोग घी में भी बनाते हैं बट घी वाला खाना मैं नहीं खा पाती हूँ, मुझे पता नहीं बाकी होगा बट मेरे से नहीं जाता है खाया। तो यहाँ पे मैंने एक तेज़पत्ता थोड़ा सा जीरा डाल दिया है एंड उसके बाद डाल के उसके बाद मैंने 2 टमाटर को ना पेस्ट करके उसमें ऐड कर लिया। फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे जो भी सूखे मसाले हैं वो सारा मैं इसमें ऐड कर लूँगी, बस हो गया। एंड उसके बाद थोड़ा सा पानी दे के, एंड हाँ जब मैं टमाटर को पेस्ट कर रही थी ना उसमें थोड़ा सा काजू भी मैंने ऐड कर लिया था, ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें हम लोग प्याज तो ऐड करने नहीं वाले हैं। तो माहिका के लिए एक्चुअली माहिका बोल रही थी वो पराठा ही खाएगी एंड पूरी नहीं खाएगी, तो इसी के लिए मैंने सबके लिए पराठा बना दिया, अदरवाइज मेरा प्लान था कि पनीर के साथ पूरी बनाऊंगी। ठीक है, बच्चे का जो मन है वही दे दो तो वो भी खा लेते हैं, एंड मेरा क्या है मैं वो खा लेती हूँ, जब वो खा लेती है ना जो भी तो मेरा भी वही चल जाता है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा पानी देके जब बॉयल हो जाएगा मैंने उस पर थोड़ा सा क्यूब ऐड कर लिया, बस 5 मिनट और पका लेंगे, 3-4 मिनट, बहुत ही टेस्टी बनते, बहुत ज़्यादा बिना प्याज के होते बट टेस्ट बहुत बनते हैं। एंड जो दालचीनी का पाउडर होता है ना हल्का सा मैंने ऊपर लास्ट में मैंने ऐड कर लिया, बस थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए, बहुत अच्छा लगा है। नया ड्रेस पहनने का मतलब होता है मोक्ष की तरह दिन में 5-6 नया न्यू ड्रेस पहन लेना है, ना बर्थडे के लिए ना जन इसका टीथ देखो, टीथ देखो है, वैसा नहीं दिखाता ये है। मोक्ष जे जे ये देखो इसका पता है वो देखता है। बस उसके बाद और क्या, टाइम हो रहा था कहीं पीछे देख सकते हो 10 बज रहे थे, बच्चे सब लोग माइका तो कब से खाना खा ली थी, मोक्स अपना एक नींद करके उठ गया था, बस वो आधे घंटे के अंदर वो पूरा सो जाएगा फिर अभी। तो मैं एंड महेंद्र यहाँ पे डिनर कर रहे थे हम लोग, वो मोक्ष का ना अभी ऐसा होता है कि उसको मैं थोड़ा थोड़ा कुछ भी देती हूँ ना उसके मुँह में कुछ नहीं जाता, वो सारा निकाल ही देता है, बट उसको लगता है पता नहीं क्या ही खा ले रहा है वो, लेकिन धीरे धीरे ना ऐसे पीछे से सब कुछ निकाल देता है वो। अभी उसको ऐसे रोटी वोटी खाना नहीं होता, देना मत देखिए कि मोरा दे रही थी, मैं दे नहीं रही थी, बस हल्का सा चट्टाते हैं जैसे ना वैसे करती हूँ कभी कभी, क्योंकि बच्चा देखता है ना तो लगता है कि चलो उसको दे दो, मेरे को बड़ी हंसी आती है उसको देख के। तो चलो इस गणपति वाले ब्लॉग को यही पेंड करते हैं, कल से शुरू होगा माइका का बर्थडे प्रिपरेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।